राज और जय बचपन से करीबी दोस्त हैं और वे खुशहाल विवाहित जीवन जी रहे हैं। दोनों का जीने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा ही है। वे कड़ी मेहनत और खूब पार्टी करना भी पसंद करते हैं। तकरीबन पिछले एक महीने से राज थका हुआ और लगातार बुखार ग्रस्त महसूस कर रहा है। वह अपने शरीर पर कुछ चकत्ते देखता है। उसका वजन तेजी से कम हो जाता है। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने उसे HIV परीक्षण करवाने का सुझाव दिया। राज भयभीत और परेशान हो जाता है। बातचीत के बाद उसकी पत्नी ने उसे अपना चेकअप करवाने के लिए तैयार कर लिया। वह उसमें अपना विश्वास जताती है। उसने उसे बताया कि HIV किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग के माध्यम से ही प्रेषित नहीं होता, बल्कि यह संक्रमित माँ से उसके बच्चे को या खून चढ़ाने के दौरान अथवा नशीली दवाई के सेवन के दौरान अनेक लोगों के द्वारा एक ही सुई का इस्तेमाल करने से भी संचारित हो सकता है। HIV पॉजिटिव के परिणाम सामने आने पर भयभीत राज फिर से अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे HIV के चिकित्सक या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर जाने की सलाह देते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मरीज को नई और बेहतर HIV दवाइयों के साथ सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। इन दवाइयों की भूमिका वायरल काउंट को नियंत्रित करना और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा में सुधार करना है। दूसरी तरफ जय को पता चलता है कि उसे टाइप 1 डायबिटीज है। उसकी पत्नी ने उन्हें नियमित आधार पर निर्धारित दवाइयाँ देकर उनकी उचित देखभाल की है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से अपना आहार लेता है। 15 साल बाद वे अपने परिवारों में खुश है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और दोस्तों एवं परिवारों के साथ वीकेंड पर घूमने फिरने जाते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा HIV अब डायबिटीज की तरह एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसमें इलाज के माध्यम से मरीज को सामान्य, स्वस्थ और अच्छा जीवन व्यतीत करना संभव है। निसंदेह आप भी एड्स से निपटने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे साथ आए और एड्स से लड़े। हेट्रो हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा संचालित जनहित और सामान्य जागरूकता में जारी।